दंगा फैलाने की जिम्मेदारी कपिल मिश्रा जैसे लोगों की है, बारिश पठान जैसे लोगों की है। कांग्रेस जैसी और आम आदमी पार्टी जैसी और ऐसी सोच वाले लोगों के कारण से इस प्रकार से जो अपराधी तत्व होते हैं, दंगाई तत्व होते हैं, उनका मनोबल बढ़ता है। वो कोई भी हो, मेरा सगा भाई हो, उस पर आप कार्रवाई कीजिए, बख्शने की जरूरत नहीं है। स्वागत है आप सभी का R9 टीवी में। वक्त है दिन की सबसे बड़ी बहस का। 3 दिनों तक दिल्ली जलती रही और उसके बाद में सियासी सरगर्मियां भी अपने अपने अंदाज में आरोप प्रत्यारोप के साथ में शुरू हुई, मगर इस बीच में जो दिल दहलाने वाली वीडियो सामने आई, जिसे उस इलाके के आम लोगों ने अपने मोबाइल फोन के जरिए रिकॉर्ड किया था, उसमें आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन का घर, उनका नाम सामने आया। 2 आरोप लगे। एक आरोप ये कि आईबी के अधिकारी को आम आदमी पार्टी के पार्षद और उनके साथ के लोगों ने मारा, जो कि उस आईबी अधिकारी के परिजनों ने आरोप लगाया। दूसरा ये कि ताहिर हुसैन के घर के छत पर जिस तरीके से बोतलें, पेट्रोल बम, गुलेल, पत्थर, इस तरह की चीजें बरामद हुई और वहां पर लोग खड़े होकर के चारों तरफ पथराव कर रहे थे, और ऐसे में सीधे सीधे सवाल और आरोप ताहिर हुसैन पर लग रहे हैं कि क्या ताहिर हुसैन मास्टरमाइंड थे इन तमाम चीजों के बीच में दंगा भड़काने के लिए, खास तौर पर उस जगह पर। मगर सवाल यह भी है कि अगर ताहिर हुसैन के खिलाफ में इतने जघन्य अपराध जैसे आरोप लग रहे हैं, तो फिर पुलिस ने अब तक ताहिर हुसैन को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? आज इन्हीं तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। मगर इस बीच में दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 हफ्तों का वक्त केंद्र सरकार को पार्टी बनाने के बाद में दिया है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से यह कहा गया कि सिर्फ 2-3 वीडियो के आधार पर उन्हीं लोगों के खिलाफ में FIR दर्ज करना अभी उचित नहीं है, कुछ और ढेर सारे ऐसे वीडियोज हैं जिनकी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं और अभी इस माहौल में FIR दर्ज करना हमें ठीक नहीं लग रहा, अगली सुनवाई में जवाब देना होगा। चर्चा इसी पर होगी, मगर उससे पहले इस रिपोर्ट को देखते हैं। दंगा फैलाने की जिम्मेदारी कपिल मिश्रा जैसे लोगों की है, बारिश पठान जैसे लोगों की है। कांग्रेस जैसी और आम आदमी पार्टी जैसी और ऐसी सोच वाले लोगों के कारण से इस प्रकार से जो अपराधी तत्व होते हैं, दंगाई तत्व होते हैं, उनका मनोबल बढ़ता है। वो कोई भी हो, मेरा सगा भाई हो, उस पर आप कार्रवाई कीजिए, बख्शने की जरूरत नहीं है। तेईस, 24 और 25, ये 3 तारीखें शायद दिल्ली कभी भूल नहीं सकेगी। नफरत की आग में सुलगती राजधानी की सड़कों पर हिंसक भीड़ थी। बहाना था CA के विरोध और समर्थन का, और नतीजे में 35 से ज्यादा जिंदगियां खत्म हो गईं। खौफ के इन 3 दिनों के बाद अलग अलग तरह के तर्क आ रहे हैं और नई नई वीडियो भी अलग अलग तरीके से अलग अलग तर्क के साथ पेश किए जा रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। दावा यह है कि छत पर लाल स्वेटर में आदमी आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन हैं, हाथ में डंडा है और साथ में कुछ लोग। दंगे भड़काने का काम किया जा रहा है। इस पर ताहिर हुसैन की सफाई भी देख लीजिए। सबसे पहले हमारे जो अंदर हमारे वर्कर थे, उन सब ने मिलके जो गेट लगा हुआ है, गेट को रोका, लेकिन गेट तोड़ के लोग अंदर चले गए, ऊपर चढ़ गए, और फिर मुझे खुद डंडा लेके वहाँ से 2 तरह के काम करने पड़े। एक तो कोई अंदर ना जा पाए, और जितना मुझसे हो चुका वहाँ से वापस उनको नीचे भेजा और ऊपर से भी उतारा। अब इन तस्वीरों पर भी निगाह डालिए। दावा है कि वीडियो आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन की है, और इस छत से पेट्रोल बम, तेजाब की थैलियां और ईंट पत्थर जैसी चीजें बरामद किए गई हैं। ताहिर हुसैन ने इस वीडियो पर अपनी सफाई भी दी। ये सारा वाकया 25 तारीख का था, जब 24 तारीख को खुद दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में मैं और मेरा परिवार सही सलामत वहां से
अलग जगह चले गए, सेफ जगह चले गए। उसके बाद मैं वहाँ नहीं गया, मेरे परिवार का कोई व्यक्ति नहीं गया। सुबह को सिर्फ वहाँ गाड़ियाँ निकालने गए थे, क्योंकि वो भी जो SHO साहब थाना दयालपुर के थे, उन्होंने वो गाड़ियाँ निकलवाईं, क्योंकि जगह जगह जिस तरह से आग जही चल रही थी तो गाड़ियाँ बहुत जल्दी आग पकड़ती है, वो गाड़ियाँ वहाँ से बाहर निकाली थी। मेरी पत्नी गई थी, जिसने वहाँ से थोड़ा सा कुछ सामान कपड़े उपड़े थोड़े से लेके आई थी। इसके बाद हमें किसी ने नहीं किया, ये सब पुलिस की मौजूदगी में उनके सामने चेक होके गया, चेक होकर आए थे। तमाम तस्वीरों के बीच सियासत भी खूब हुई। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ताहिर हुसैन का बचाव करते हुए नजर आए, सजा देने की बात कही, लेकिन पक्ष भी सुनने की मांग उठाई। वो कोई भी हो, मेरा सगा भाई हो, उस पर आप कार्रवाई कीजिए, बख्शने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक 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 व्यक्ति ऑन रिकॉर्ड बता रहा है कि उसने 100 नंबर पे कॉल की, उसने पुलिस वालों से मदद मांगी, उसने मीडिया से मदद मांगी, उसने पार्टी लीडर्स को इन्फॉर्म किया, वो भी उसका पक्ष है, उसको भी सुन लीजिए, पूरे घटना की जांच करा लीजिए, कहीं कोई दोषी हो, कोई किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट हो, आप कार्रवाई कीजिए। दूसरी तरफ दिल्ली के दंगों के पीछे बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ी करती नजर आ रही है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली के दंगों के पीछे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की विचारधारा को जिम्मेदार ठहराया। अब मैं तो ये नहीं कहूंगा कि कांग्रेस के कारण ये हो रहा है, लेकिन कांग्रेस जैसी और आम आदमी पार्टी जैसी और ऐसी सोच वाले लोगों के कारण से इस प्रकार से जो अपराधी तत्व होते हैं, दंगाई तत्व होते हैं, उनका मनोबल बढ़ता है। और मैं एकदम यह मानता हूं कि जिस समय अमेरिकी राष्ट्रपति का भारत दौरा हो रहा हो, जिस समय अहमदाबाद उत्तर प्रदेश से फिर वो दिल्ली जा रहे हों, उस समय इस प्रकार की घटना मैं यह मानता हूं कि ये गहरी साजिश है। सबके अपने अपने तर्क हैं, सबके अपने अपने दावे हैं, और इसमें से किस सच पर किसको यकीन, कौन जाने। ताहिर हुसैन की छत से मिले पत्थरों के पीछे की कहानी क्या है, ये तो जांच के बाद साफ होगी। लेकिन अभी जो साफ है वो ये कि दिल्ली इंसाफ चाह रही है, दिल्ली इंसाफ मांग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जी हाँ, तो क्या मिल गया मुजरिम, और अगर मुजरिम मिला तो फिर कार्रवाई का सिलसिला कब शुरू होगा। मगर इससे पहले कि चर्चा की शुरुआत करें, आइए उन सवालों की तरफ एक निगाह डालते हैं जो जनता की तरफ से R9 TV के माध्यम से आप देख रहे हैं। ताहिर हुसैन पर लगे आरोपों का सच क्या है? दूसरा सवाल ये कि क्या ताहिर हुसैन को बलि का बकरा बनाया जा रहा है? या फिर तीसरा सवाल कि दंगा भड़काने के पीछे साजिश किसकी थी और ताहिर हुसैन उसमें कितना जिम्मेदार है? ट्रंप के दौरे को ध्यान में रख करके खराब किए गए हालात, क्या इसके पीछे एक सोची समझी साजिश थी, या फिर जांच पूरी होने से पहले किसी पर इस तरीके से किसी को दोषी घोषित करना कितना जायज है जो आमतौर पर कहा जाता है? हमारे साथ पूरा एक पैनल हमारे खास मेहमानों का इस वक्त जुड़ चुका है स्टूडियो में, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता हमारे साथ में तेज तर्रार प्रवक्ता शिवम त्यागी जी हैं, स्वागत है सर आपका, साथ में है कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता संजय गुप्ता जी हैं, आपका भी स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अजय शर्मा साहब हमारे साथ में है, स्वागत है आपका सर। अकील खान साहब, आम आदमी पार्टी के नेता, बहुत सारे सवाल आज आपसे ही होने हैं, बीजेपी और आपसे ही, तैयार रहिएगा सर। साथ में प्रियंका राणा जी, सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर हमारे साथ में हैं, जो कि उन जगहों का भी दौरा करके उन कई लोगों से बातचीत करके हमारे साथ में जुड़ रही है। अश्विनी दुबे जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ में, आपका स्वागत। और साथ में समाजवादी पार्टी के नेता संजीव चौधरी साहब, आप सभी मेहमानों का शुक्रिया के साथ में स्वागत है। शुरुआत अकील खान साहब आपसे ही करना चाह रहे हैं, जिस वक्त ये वीडियोज आए ताहिर हुसैन के घर पर, छत पर जिस तरीके की चीजें मिली, गुलेल बम, पेट्रोल बम वहां पर, पत्थर और ऐसी सारी चीजें वहां पर मिली, और कुछ वीडियोस में ताहिर हुसैन भी छत पर देखे गए, कल तक या आपसे थोड़ी देर पहले तक आम आदमी पार्टी के नेता लगातार ताहिर को बचाने का काम कर रहे थे कि साहब वो ऐसा नहीं कर सकता, जिस वक्त हिंसा हुई वो तो खुद ही एक पीड़ित था, पुलिस को उसने कॉल किया, खुद को बचाने की गुहार लगाई। मगर अरविंद केजरीवाल ने अब से थोड़ी देर पहले ये कहा कि साहब अगर ताहिर दोषी है तो उसे फांसी पर लटका दिया जाए, और अगर आम आदमी पार्टी का कोई नेता दोषी है तो उसे दुगनी सजा हो। ये लाइन क्या पहले नहीं ली जा सकती थी, या अभी तक बचाव का ही एक तरीके का सिलसिला चल रहा था आपकी पार्टी की तरफ से? सर, पहली बात यह है, अमित शाह मस्ट रिजाइन, पूरी दुनिया
पूरी दुनिया बीजेपी को दोष दे रही है, आप न्यूयॉर्क टाइम्स देख लीजिए, आप चाहे गार्जियन देख लीजिए, सारे पूरी दुनिया के अखबार और पूरी दुनिया की न्यूज एजेंसीज पूरे बीजेपी को दोष दे रही है कि इन्होंने धार्मिक दंगा करवाया है दिल्ली के अंदर। और उस वक्त जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे थे, दिल्ली में गोलियां चल रही थी, और इस गोलियों के पीछे सबसे पहले कौन है बंदा, वो है कपिल मिश्रा, जिसने ये बोला, दो दो बार बोला कि गोली मारो गद्दारों को, है ये किस तरह की बात कर रहे थे। मगर कपिल मिश्रा के घर पर और कपिल मिश्रा की गाड़ी में कपिल मिश्रा, एक सेकंड अखिल साहब, कपिल मिश्रा नहीं, अखिल साहब एक सेकंड, एक सेकंड भाई, अखिल साहब सवाल तो जिम्मेदार लोग हैं सर, सवाल तो लीजिए ना। कपिल मिश्रा के, कपिल मिश्रा के गाड़ी घर में तो वो चीजें बरामद नहीं हुई, आम आदमी पार्टी के नेता के घर से वो चीजें बरामद हुई है। सुनिए, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, पूरे दुनिया के अंदर सारी वीडियो दिखाई जा रही है कि पुलिस खड़ी हुई है और वहां जाकर घर जलाया जा रहे हैं, वहां दुकानें जलाई जा रही है, वहां लोगों को मारा जा रहा है, गोली पुलिस के साथ में चला रहा है, उसको शाहरुख खान नाम देते हैं, मिश्रा जी को मिश्रा का नाम शाहरुख खान बता दी पुलिस। आप ये बताइए पुलिस कितनी पार्टीशन, उसके लिए पुलिस को मैं जिम्मेदार नहीं मानूंगा, जिम्मेदार है हमारे गृह मंत्री, जो विग्रह मंत्री है, जिन्होंने इस पूरी दिल्ली को गुजरात बना दिया, गुजरात का मॉडल बना दिया है, एक अखिल साहब को बर्बाद करना चाहते हैं। पहलुओं पर भी आएंगे कि जिम्मेदारी किसकी है, क्योंकि आम आदमी जिम्मेदारी पूरी दुनिया को मैंने बोला। सर सवाल सुनिए ना, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस और बीजेपी पर आरोप तो लगा ही रही है, कोई आरोप नहीं है, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फांसी किया, सारे वीडियोस हैं अवेलेबल, उसमें बात करने का मतलब ही नहीं है। आप बताइए, आपने देखे नहीं वीडियो सर, कितने वीडियो हैं, खामोश हजारों की तादाद में खामोश होंगे, पुलिस खड़ी हुई है। अखिल साहब आपसे सवाल, कई लोगों ने, अखिल साहब मैं आपसे सवाल, मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकंड आप मुझे मत बताइए ना, मुझे पता है चीजें, मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि ताहिर हुसैन पर आपका क्या कहना है, हम आएंगे उन पहलुओं पर भी जिसका जिक्र आप करना चाह रहे हैं। 30 सेकंड मैं आपको वन बाय वन बताता हूं। ताहिर साहब ने 100 नंबर पे कॉल किया, एसीपी साहब कॉल किया, डीसीपी को कॉल किया, किसी ने नहीं उठाया। इंस्ट्रक्शन किसका था, गृह मंत्री का इंस्ट्रक्शन था कि कुछ मत करना, ताहिर को घर से निकाल करके कौन लेगा फिर, पुलिस आप जो वीडियो आप बता रहे हैं, सुनिए आप, वो उनका है, उन्होंने बोला एक्सेप्ट किया कि ये मेरा वीडियो, लेकिन मैं ये तब का वीडियो जब मेरे घर के अंदर लोग घुस करके तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो मुझे डिफेंस में आना पड़ा, अपने वह डंडा लेकर के इसलिए बाहर आया उनको भगाने के लिए, ये उनका आंसर है। आप तो पूरे ये तक जाएंगे ना, देखिए सुपर पुलिस पत्थर, ये पेट्रोल बम दूसरी बार रखवा दिए, 30 सेकंड दीजिए मुझे, ये जो उसके अलावा मैं बताऊं, जो सोलंकी के फादर है उनका कहना है कपिल मिश्रा आके आग लगा कर घर जाकर के सो गया, मेरे बच्चे को मरवा दिया इस कपिल मिश्रा ने, कपिल मिश्रा खुलेआम घूम रहा है। आप देखिए अनुराग ठाकुर जो मिनिस्टर है, शर्म आती है हमारे देश के पहलू पर नहीं आए, इस तरह से बात करके घर में घुस करके बैठ गए और हमारे प्रधानमंत्री उपदेश दे रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री उपदेश दे रहे हैं, पूछा गया है कि प्रधानमंत्री नहीं दे रहे, वकील कहां गए, अमित शाह क्या कर रहा है घर में बैठ करके बताइए, एक तलीपार क्या कर रहा है देश के अंदर, जला दिया पूरे देश को, बर्बाद कर दिया दिल्ली को बर्बाद किया, ये सारे भ्रष्टाचारी 10-10 लाख करोड़ खाने वाले लोग, ये 4.5 लाख करोड़ खाने वाले लोग, इन्होंने पूरे देश को बर्बाद कर दिया, इकोनॉमी बर्बाद करके सीए का क्या है, सीए लाने का मतलब है, ये सीए ला करके देश को डूबना चाह रहे हैं दंगों में, ये इलेक्शन आपने भी देश की तरक्की के ऊपर सबसे बात करें, ये ईवीएम सरकार, ईवीएम सरकार देश को, ये ईवीएम सरकार को रहने का कोई हक नहीं है देश के अंदर, हमारा देश डेमोक्रेटिक है, आपने ठान लिया है, ये हिटलर बैठे हुए हैं, ये हिटलर देश को बर्बाद कर देंगे, राजनीतिक मंच नहीं है ना आपका, राजनीतिक मंच नहीं है कि आप कुछ भी बोलते रहेंगे, एक सेकंड झूठ फैक्ट्री चला रहे हैं ये लोग, झूठ की फैक्ट्री देख करके सफेद झूठ की फैक्ट्री चलाने वाले आप लोग राजनीति करते हैं, सफेद झूठ की फैक्ट्री चलाने वाले ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए, जेल में होना चाहिए, अरेस्ट अरेस्ट मिश्रा, आप हाथ में हाथ धरे बैठे थे, आप अमित शाह क्यों नहीं गए दंगे इलाकों में जहां में दंगे भड़क रहे थे, जहां पर लोग मर रहे थे, सब को अरेस्ट करना चाहिए, क्यों नहीं गए वहां पे शांत करने लोगों को, ब्रीदिंग करने लगाते हैं ये पुलिस को हटा कर दे, ब्रीदिंग करने अरविंद केजरीवाल ने साफ बोला है, दो वक्त पहले बोला मीटिंग करने, एक सेकंड अखिल साहब एक सेकंड, वो पत्थर, वो पेट्रोल बम, वो ये सब लगाए पुलिस के जोड़ तोड़ से, ये साफ पुलिस ने रखे, पुलिस वाले पुलिस ने रखे, पुलिस वाले
वालों को अरेस्ट करके इनके ऊपर एफआईआर लगानी चाहिए। अरे सर बेसर पैर की बातें मत कीजिए, बेसर पैर की बातें मत कीजिए। एक सेकंड शिवम त्यागी जी, एक सेकंड। ठीक है सर, मुझे पता कि आप उन चीजों पर नहीं आना चाहते। सीधा सा मेरा सवाल था कि वो पत्थर, वो पेट्रोल बम, वो गुलेल कैसे आए, क्या वो पुलिस ने रखवा दिया? एक सेकंड शिवम त्यागी जी, एक सेकंड। हो गया, इंडिया की नहीं वर्ल्ड की रिपोर्ट है ये। एक सेकंड शिवम त्यागी जी, ताहिर हुसैन के खिलाफ ये सारी वीडियो सामने है, क्या पुलिस कार्रवाई का सिलसिला शुरू करते हुए ताहिर हुसैन को गिरफ्तार अब तक नहीं कर सकती थी? और नहीं किया तो क्यों नहीं किया? देखिए, मुझे लगता है पुलिस का काम पुलिस पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जाहिर है इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। जिस तरह से अभी आपने देखा कि आपके बराबर मेरे बराबर में बैठे हुए व्यक्ति कह रहे हैं कि ये सब पुलिस ने प्लांट कर दिया, बोतलें भी पुलिस ने प्लांट कर दी, वीडियो में जो ताहिर ने अपने आप को कहा कि हाँ मैं ही हूँ वो भी पुलिस ने उसको ही ऊपर भेजा, वो जो पेट्रोल बम फेंक फेंक के मार रहे हो वो भी उन्होंने भेजा, और वो जो 128 लीटर पेट्रोल ये लेकर आए थे बराबर के पेट्रोल पंप से, वो क्या करने के लिए लाए थे? पेप्सी की बॉटलों में डालकर पीने के लिए लाए थे क्या, या तेल की कालाबाजारी करने के लिए लाए थे? लोगों को जलाने के लिए आए थे। अंकित की मां ने, अंकित के परिवार ने कहा है कि चार लोगों को लेकर, मैं आता हूं, 10 सेकंड दे दीजिए। ठीक है, मैं सिर्फ इतना कहता हूं, इतनी बेशर्मी, इतनी बेहुदगी कम से कम नहीं होनी चाहिए। आप कहते हैं कि देखिए आज हम इस सिचुएशन में कहां हैं, आईबी के एक ऑफिसर को खींच के आपने घर के बराबर से उठाकर मारकर उसको नाले में फेंक दिया, एक हेड कांस्टेबल की डेथ हो गई, उसको भी शहीद आपने कर दिया। ये जो मानसिकता आपकी आप इस देश में बढ़ती जा रही है, जिसको आप कह रहे हैं बार बार पुलिस ने प्लांट किया, पुलिस ने रखा, पुलिस ने पेट्रोल बम फेंके, पुलिस गलत फंसा रही है, और दूसरी तरफ आपके मुखिया आकर कहते हैं दूसरी तरफ इनके मुखिया आकर कहते हैं कि नहीं अगर वो गलत है तो उसको डबल सजा दे दो। डबल सजा, ठीक है डैमेज कंट्रोल उसे कहें या कुछ भी कहें, मगर मेरा सीधा सा सवाल है कि क्या पुलिस को अब तक डिटेन नहीं करना चाहिए था ताहिर हुसैन को? क्योंकि उसके घर पर, उसके घर की छत पर जो कुछ चीजें मिली है, आखिर पुलिस इससे बच क्यों नहीं? इन्वेस्टिगेशन तो बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक चीज, अभी तक तो ताहिर हुसैन तो फरार है, साबरी मैं आपको एक चीज बिल्कुल अभी आपको यहां पर गारंटी करके जाता हूं कि पुलिस इसका थॉरो इन्वेस्टिगेशन करेगी, सारे लिंक्स निकालेगी, वीडियोस की जांच कर रहे हैं पुलिस, बहुत सारे वीडियोस हैं सोशल मीडिया पर, उनको जांच करने के बाद सही तरीके से फ्रेम किया जाएगा, लेकिन बख्शा बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है संजय गुप्ता जी, महज राष्ट्रपति भवन तक पैदल मार्च कर लेना, डेलीगेशन ले जाकर एक मेमोरेंडम सौंप देना और उसके बाद में खामोश बैठ जाना, इतनी भर जिम्मेदारी है या सारा आरोप उठा करके गृह मंत्रालय और केंद्र सरकार पर लगा देना, बस यही है? देखिए सर, कि आज ये देखना पड़ेगा कि देश के अंदर, दिल्ली के अंदर कौन आज सरकार में है, और सारे अधिकार हमारे सिस्टम में प्रशासन के पास होते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रशासन का कमाल देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का जादू देखिए, कि जिस तरह की, देखो इनके नेता कपिल मिश्रा जी की सब लोगों ने देखा है कि किस तरह की उनकी भूमिका रही। उससे पहले इनके गृह राज्य मंत्री को लोगों ने देखा, उससे पहले परवेश वर्मा को देखा, और जब कोर्ट ने इन तीन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, इनको अरेस्ट करने के लिए कहा, तो उन न्यायाधीश साहब को 2 घंटे के अंदर अंदर दिल्ली से ट्रांसफ़र कर दिया गया। किस तरह का कमाल है! और मुझे याद आते हैं वो जस्टिस लोहिया वाले मामले में जो 4 जज सामने आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आज जब न्यायालय, कैसे आप कह सकते हैं, क्योंकि कॉलेजियम के सिस्टम के हिसाब से 12 फरवरी को हो, कॉलेजियम समझ नहीं आता ना इनको क्या होता है एक्चुअली, कि 12 तारीख को ही सिफारिश की गई थी। यस, और चीफ जस्टिस लग रही है, आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे, मैं तो जिस मीटिंग बोला डिसीजन हुआ है उसमें दाढ़ी में तिनका, ऑफ इंडिया भी थे, चोर की दाढ़ी में तिनका, चीज बताइए आप, चोर की दाढ़ी में तिनका, मैं ये बोलने नहीं देंगे किसी को, अरे ये नथुराम गोडसे के लोग हैं, बोलने नहीं देंगे किसी को, बोलने नहीं देंगे, ये बोलने नहीं देंगे ना। शिवम जी, आज पहले आए थे आपके आपके खिलाफ आए थे, किसी और के खिलाफ आए थे? एक सेकंड संजय जी सुन लीजिए ना, तो मुझे भी 12 तारीख आप इस बात को जानते हैं ना, मानते हैं ना कि 12 तारीख को खुला था, शिवम भाई ने आपकी झूठ सुना था, मैं भी तो झूठ नहीं बोलूंगा, 3 जज का 50 बात होना है। एक सेकंड, सिर्फ आपको टाइमिंग के बुनियाद पर सवाल उठाने का मौका मिल रहा है सर? आप जब्बार भाई, मुझे कहने का तो एक लाइन तो मैं कंप्लीट कर लूं प्लीज, आप इतना क्यों मुझसे इतना टाइट हैं? अरे सर, टाइट नहीं, मैं तो सीधा मुझे पहली लाइन तो कहने दीजिए सर, आपने बड़ा आउट लगा दिया, दोनों लोगों को 15-15 आउट लगाया ना, इसलिए आपको मुझे एक लाइन तो सुन लीजिए प्लीज, आपसे देना होगा, आप मुझे एक लाइन भी नहीं कहने दे रहे हैं, मुझे कहने तो दीजिए जरा। चलिए 30 सेकंड, मैंने आपसे निवेदन ये करना चाहता हूँ कि जिस तरह का टाइमिंग है, टाइमिंग को मैं चलो सवाल उठा रहा हूँ, और दूसरी बात यह कि उसके बाद आज सरकारी वकील या सरकारी पक्ष ये है कि अभी इनके खिलाफ अरेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता को खुली छूट देनी चाहिए, ये भी हाई कोर्ट। अरे सुन लो भैया, सुन लो ना,
आप इतना झूठ बोल रहे थे, मैं तो एक बार भी नहीं बोला, आप तो झूठ बोलने की मशीन है। सुन लो एक मिनट, अरे आपकी सरकार है, हाई कोर्ट की, आप एक लाइन भी किसी को बोलने नहीं देंगे, आप विपक्ष को बोलने नहीं देंगे, आप किसी को बोलने नहीं देंगे, और आपने ये ढोकला पार्ट टू बनाया। ये तरीका नहीं है, गिरफ्तार करने का तरीका नहीं है, और किस तरह की डिबेट है ये, किस तरह की दादागिरी कर रहे हैं ये लोग, लड़ाई कर रहे हैं, किस तरह की दादागिरी कर रहे हैं। सर संजय जी आपने बात रखी है, ये कहने नहीं दे रहे ना, देखिए आप स्क्रीन पर है, आपने दोनों कह रहे जनता पर सर अपने बार भाई तर्क रखे, ये दिल्ली के अंदर गोधरा पार्ट टू, ये गोधरा पार्ट टू दिल्ली में किया जा रहा है अमित शाह के थ्रू, और अमित शाह को रिजाइन करना चाहिए। ये वही जोड़ी है जिसने गुजरात के अंदर गोधरा किया था, ये गोधरा पार्ट टू है, और दिल्ली का जिस रहने वाला निवासी यहाँ गोधरा बनने नहीं देगा। दिल्ली चौधरी साहब एक सेकंड, एक सेकंड, मैं था गोधरा में, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, वहाँ पे ठाकुर खड़ा है, वहाँ पे परमेश वर्मा खड़ा है, जनता देख रही, थोड़ा सा सार्थक चीजें लेकर के जाए, हम उस पर भी आएंगे कि कपिल मिश्रा ने क्या कहा, अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, परमेश वर्मा ने क्या कहा, अभय वर्मा ने क्या कहा, हम उन पर भी आएंगे, और कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो आरोप लगा हम उस पर भी आएंगे। सर एक सेकंड, अरे सर आने दीजिए ना, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, अगर सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगाने से लोग दंगाई हो जाए तो किसी पार्टी का कोई नेता बाहर बचे नहीं, सब जेल के अंदर हो। ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड, संजय चौधरी साहब, अगर ये दंगाई है तो कोर्ट द्वारा कोर्ट की नहीं बनेगी, एक सेकंड, सरकार चलेगी ईमानदार लोगों से, हाई कोर्ट चलाएंगे। ठीक है, ठीक है, संजय चौधरी साहब, ये जो कुछ हो रहा है, और जाहिर तौर पर इसके तजर्बे आपकी पार्टी भी उत्तर प्रदेश के अंदर करती रही है, जाहिर तौर पर आज आप बड़े मुखरता के साथ में कहते हैं कि सरकार जिम्मेदार, सरकार जिम्मेदार, सरकार जिम्मेदार, मगर जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार में जो हिंसा हुई, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, पूरा इलाका जिस तरीके से हुआ, उस वक्त तो आपको खराब लगता था कि नहीं साहब, सरकार कैसे जिम्मेदार हो सकती है? देखिए, तब भी भारतीय जनता पार्टी के नाकाम लोगों ने वो दंगा कराया था मुजफ्फरनगर के अंदर, और बुलंदशहर में तो इन्हीं की सरकार में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल और केवल दंगाइयों के सहारे इस, आप ये मानते हैं ना कि जिस राज्य में दंगा हुआ उसकी सरकार उसका जिम्मेदार होती है? एक क्वेश्चन आपने पहले कर दिया, एक दूसरा कर दिया, मैं कैसे जवाब दे पाऊंगा? आपने भारतीय जनता पार्टी को आप समय तो दिया नहीं है, आरएसएस के लोग दंगा करने के लिए ये तो गौर से के लोग हैं, ये क्या है, ये पूरी लाइन लट लेके चलते हैं, कैसे ये डंडा लेके चलते हैं, क्या हो गया आपके, क्या हो गया, देखिए बुला लग गया, क्या देश है, पूरा देश है, पूरा देश है पानी के ऊपर, मुझे लगता है गोधरा पार्ट टू करने लोगे, चूल्हा पर पानी में घूम कर ये इस गिलास में पार्ट टू करने लोगे, आप तो बोल रहे थे आप सपोर्ट बर्बाद कर रखी है, सारी इकोनॉमी बर्बाद कर रखी है, आप पूरे देश में ना बीजेपी का और ये लेकर के आ गए आप। संजय चौधरी साहब आप बताइए, जब आप बोल रहे थे तो मैं बोला,
जब आप बोल रहे थे तो बोला नहीं था, बोलने को है तो बोलिए, नहीं तो चुप रहिए। मानसिक संतुलन खो देते हैं, आपके पास कुछ बोलने को नहीं होगा तो पार्टी की नाकामियों को हंगामा करने से चुप नहीं सकते। संजीव चौधरी जी अपनी बात रखिए ना, ये पर्सनल कमेंट मत कीजिए ना, सवाल पूछे मत कीजिए, पर्सनल कमेंट। एक सेकंड, क्यों बोल रहे हो? मेरा निवेदन है, आप बोले ना बीच में कोई भी, जैसे मैंने चुप सुना था। अरे बात शुरू कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग हर प्रदेश के अंदर, हर स्टेट के अंदर और पूरे हिंदुस्तान को जलाना चाहते हैं। इनकी नाकामी पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। अगर इनको सबसे पहले तो जो कपिल मिश्रा ने बयान दिया था, इनको तुरंत अगर उसको जेल में डाल देते तो आज ये स्थिति दिल्ली की नहीं होती। ये अपनी चुप, मैं बोल नहीं रहा, आप बोलोगे मैं चुप रहूंगा। इनकी नाकामी, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इन्होंने कपिल, क्योंकि कपिल मिश्रा इनका नेता है, अगर वो आप पार्टी में था तब तो वो गुनाहगार था, आज इनकी पार्टी में है तो वो गंगा जी नहा के इन्होंने बुला लिया और वो गुनाहगार नहीं रहा। सबसे पहले तो ये बात है। दूसरी बात, यदि आम आदमी पार्टी का कोई भी, मैं कहता हूं किसी भी पार्टी का अगर दोषी है तो गिरफ्तार करने में इनकी पुलिस आखिर लाचार क्यों है? सवाल ये उठता है। ठीक है, पुलिस किसके अंडर में है? पुलिस ये भारतीय, एक सेकंड, मैं एक कमेंट तीन मेहमान की तरफ नहीं जा सकता, ले लो उसके बाद में मैं आ रहा हूं आपके तरफ। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये झूठे लोग ये कह के नहीं कह सकते कि ये दंगा किसने कराया है। आप जिसने भी किया है उसको तुरंत पुलिस जेल में भेजे। क्यों नहीं भेजते आप जेल में? आप बताइए क्यों नहीं जेल में भेजते? जेल में इसलिए नहीं भेजते, आपके नाकामयाब थे, आपके कई नेता जेल चले जाएंगे। क्यों नहीं आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अजय शर्मा एक सेकंड हम किसी और दिन चर्चा करेंगे उस पर। एक सेकंड अजय शर्मा साहब, एक ही प्रवक्ता को आप लोग अपनी ऐसे ऐसे इस विषय से जुड़ी ही बातें नहीं करेंगे तो ये चर्चा मैं यहीं पर रोक दूंगा। बहुत माफी के साथ में कह रहा हूँ, मैं इस चर्चा को यहीं पर रोक दूंगा, मैं इस डिबेट को यहीं पर रोक दूंगा। प्लीज एक सेकंड अजय शर्मा साहब, क्योंकि चर्चा में न कोई किसी की सुन रहा है, जाहिर तौर पर तर्क सबके पास में, चाहे वो तर्क हो या फिर कुतर्क हो। अब ऐसी स्थिति में अगर इस बड़े इशू को लेकर के जिस तरीके से तीन दिनों तक दिल्ली जली है और जलती हुई दिल्ली के बीच में अगर कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं तो फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? जाहिर तौर पर ऐसी स्थिति पर मैं एक सीधा सा जवाब चाह रहा था अजय शर्मा साहब। ये जो स्थिति बनी है, ठीक है, अनुराग ठाकुर हो, प्रवेश वर्मा हो, अभय वर्मा हो या फिर इसमें कपिल मिश्रा हो, सारी चीजें अपनी जगह, कोर्ट उस पूरे मामले पर 4 हफ्तों का वक्त दे चुकी है, मगर जो वीडियो आम आदमी पार्टी के नेता का सामने आया है, क्या उस आधार पर पुलिस को तत्परता दिखाते हुए अब तक कोई कार्रवाई करनी चाहिए थी या पुलिस को लगता है, क्योंकि खुद ताहिर हुसैन ने पुलिस को भी कॉल किया, वो कॉल रिकॉर्ड है, पुलिस को लगता है कि ये शख्स मुजरिम भी हो सकता है, निर्दोष भी हो सकता है, स्थिति क्या है? देखिए जब्बार भाई, पुलिस अपनी कार्रवाई करती है
और एकदम से किसी नतीजे पर नहीं पहुँचती है, और हो सकता है वो ये सोच रही हो या इंक्वायरी कर रही हो कि ताहिर जो है वाकई में दोषी है या नहीं है। सर लोगों को मरवाने के बाद बोलने और बोलने के बाद आपका साहब एक सेकंड आएगी, एक सेकंड और टर्मिनेशन लेटर देना चाहिए पत्रकार इस तरह के कंडीशन है अकील खान साहब के उनका पक्ष है ना। अरे शाम अरे उनका फोन नंबर रिसीव कर रहे हैं आप, आप किसी को कैसे ले सकते बात करने के लिए, ऐसे मत कीजिए अकील खान साहब, उनकी बात से आप समझ हमारे पास पुलिस होती तो ये कुछ भी एक भी बोल नहीं सकते, हम ये आम आदमी पार्टी का मंच नहीं है सर। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, एक सेकंड एक सेकंड लड़ाई सी बात की है अजय शर्मा जी, अजय शर्मा जी ठीक है, अजय शर्मा जी क्या पुलिस को इन्वेस्टिगेट शुरू करने के लिए इन्वेस्टिगेशन हो चुका है? कम से कम अकील साहब जितने चीख चीख के ऊंची बात कह रहे हैं, ऊंची आवाज में चीखने से झूठ सच नहीं हो जाता है, आप चीख चीख के बातें कर रहे हैं, स्टूडियो का वार रूम बना रखा है, किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं आप बहुत ही अतार्किक कुतर्क से भरी बातें कर रहे हैं, अर्थहीन बातें कर रहे हैं, आपने जय दुष्प्रचार की राजनीति कर रखी है, आप ये साबित करने में चले हुए हैं कि बीजेपी जो मुसलमानों की दुश्मन है वो यही राजनीति है, आपको पुलिस चाहिए, पुलिस दे दो आप बच्चे की तरह खुद जाएंगे, आप पुलिस में खिलौना नहीं है जो कमी जाएगी, आप चाहे आपकी बात अगर आपकी बात में नहीं सुनूंगा तो मुझे चर्चा बताइए, आप बताइए शर्म नहीं चाहिए, आप देश को बताइए, आप क्या हाल है साहब, मैं किसी को बोलने नहीं देते, आप मुझे बोलो उसके बारे में आने दीजिए प्लीज, पूरी आप खान साहब अरे ऐसा वीडियो बहुत सारे हैं, ऐसा वीडियो बहुत सारे हैं, अजय शर्मा वीडियो कारण वाले आप क्या घर वाले करते हैं ना, इससे पहले मैं सुना रहा हूं कि क्या मैं बोल रहा हूं आप भ्रमित रहे हैं, आप बोलते हैं यहां बैठ कर अपने देश को पर लाग रहे हैं, बस आग लगा रहे हैं स्टूडियो में, किस देश के दे रहे हैं, आपको शर्म नहीं चाहिए, आप किसी को बोलने नहीं दे रहे, बिल्कुल चुप हो जाना चाहिए आपको, किसी को बोलने नहीं देना चाहिए आपको, आपको चुप हो जाना चाहिए, कम से ये असली चेहरा है आम आदमी पार्टी का, किसी को बोलने नहीं देंगे, बिल्कुल बोलने नहीं देंगे, किसी में जीतते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, ये किस जन के बिना है, किस जनता पीपल ऑफ समाज सुन ना सके, सुन ना सके, बिल्कुल नहीं बोलने देंगे, ये मीडिया विरोधी एक से है, अजय शर्मा साहब, अजय शर्मा साहब, मैं उनसे पूछ रहा हूं, वो शर्मा नहीं चाहिए प्लीज, ऐसे लोग बात बोलने एक सेकंड, जब मीडिया का बोलने ना चाहते तो भी पत्रकार के ये भी कोई बोले देंगे, ये मीडिया को नहीं बोले देंगे, पत्रकार को उसका उसका वर्जन तो आप सुन सकते हैं, बोलने देंगे ये किसी को नहीं बोले, अजय शर्मा साहब क्योंकि अरे अजय शर्मा साहब आप मेरी बात सुनिए सर, ये सच सुनिए, पत्रकार आप दोनों लड़ने के लिए आए क्या, आप दोनों लड़ने के लिए आए, मुझे लगता आप दोनों के आप दोनों के पर्सनल आर्गुमेंट की वजह से मेरी ये डिबेट खराब हो रही है इस वक्त, एक सेकंड अजय शर्मा साहब, फिर बोलेंगे ये, फिर अजय शर्मा साहब आप अपनी बात का जवाब दीजिए ना सर, अकील खान साहब आपको पता है इनको बचाना है हर हाल में, अकील खान साहब इनको हर हाल में, आपको पता है बिल्कुल ऐसे नहीं चलेगा सर, अरे सर ऐसे नहीं चलेगा, एक सेकंड अजय शर्मा जी को सिंगल अगर अजय शर्मा जी को स्क्रीन पर लेकर आया जाए तो उसको लेकर एक सेकंड अजय शर्मा साहब को पहुंचने नहीं देंगे, अजय शर्मा साहब उस बात में कुछ रखा है, आप उनको बोलेंगे वो आपको बोलेंगे, सवाल ये मेरा छोटा सा सवाल था कि अब तक पुलिस को कोई कार्रवाई करनी चाहिए थी या पुलिस किन कारण कार्रवाई नहीं कर रही है ताहिर हुसैन के खिलाफ में, चाहे वो दोषी है या फिर वो निर्दोष है। देखिए पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए और हो सकता पुलिस कार्रवाई कर रही हो, मैं एकदम से किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकता कि ताहिर हुसैन जो है दोषी है, लेकिन पुलिस की जो कार्रवाई होगी वो सच सामने आ जाएगा। पुलिस की भूमिका को आप इस पूरे एपिसोड में कहीं ना कहीं लापरवाही वाला मानते हैं, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने जिस तरीके से फटकार लगाई दिल्ली पुलिस को, कि आप क्या इंतजार करते रहते हैं क्या किसी किस्म का एक्शन लेने के लिए? देखिए दिल्ली हाईकोर्ट ने जो फटकार लगाई है वो अपनी जगह पर सही है, पुलिस को तत्परता से कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं ग्राउंड लेवल पर जिसका पुलिस जो है सामना करती है, आप एकदम से नहीं कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं करूंगा क्योंकि यहां पर तो दुष्प्रचार की राजनीति शुरू हो चुकी है, ठीक है, और जिस तरीके से उस गलियारों में नहीं जाते हैं, जो शख्स एक सेकंड अकील खान साहब एक सेकंड, जो शख्स पकड़ा गया पिस्तौल चलाते हुए एक सेकंड जाफराबाद के इलाके में एक सेकंड पिस्तौल चलाते हुए जो शख्स पकड़ा गया था जिसका नाम शाहरुख साहब ने आया था, वो शख्स फरार बताया जा रहा है, पुलिस ने पहले क्या एक सेकंड कमाल है, ऐसे बिल्कुल
इनको मिलिट्री चाहिए, इनको पुलिस चाहिए, इन्हें शब्द दीजिए और शायद बिल्कुल सही बात है, इनको मिलिट्री चाहिए, इनको पुलिस चाहिए। एक सेकंड, ये बच्चे की तरह से जिद कर रहे हैं, हमें मिलिट्री दे दे, पुलिस दे दे हमें। ठीक है, ठीक है, प्रियंका राणा जी मंत्री है, विग्रह मंत्री है, विग्रह अखिल साहब मैं आपकी तरफ वापस आ रहा हूं, आपके विचारधारा से कुछ नहीं हो सकता। आप ही डिबेट में तो नहीं है ना, मैं भी दो गेस्ट की तरफ नहीं जा सका, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। चर्चा की शुरुआत ही मैंने आपसे की थी, पुलिस को बोलने से। अरे छोड़िए ना सर, दूसरा क्या कह रहा है, मैं आपसे सवाल, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा किसी भी, सवाल कर रहा हूं आपके गुणगान गाइए, क्या वो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए ना, आपको मैं पूरा बता दूंगा, आपको मैं पूरा बता दूंगा जवाब देने के लिए। एक सेकंड, ये हमें अपनी सपोर्ट देने चाहिए, लीटर पेट्रोल किस लिए भर लाकर गए थे, लीटर आप लिए पेट्रोल किस लिए भरते लेकर गए थे, पेट्रोल किस लिए बेचे गए थे, प्रियंका राणा जी ये जो पूरी स्थिति बनी है, एक सेकंड अजय शर्मा जी, एक बार आपने अपील की, अजय शर्मा जी मत कीजिए, अजय शर्मा जी एक सेकंड, प्रियंका राणा जी, प्रियंका राणा जी ये जो पूरी स्थिति हुई है जिसमें 35 मौतों का आधिकारिक तौर पर आंकड़ा जारी किया गया है, आधिकारिक तौर पर 35 मौतों की पुष्टि की गई है, लेकिन न जाने कितने लोग होंगे जिनकी जाने गई होंगी, जिनके बारे में अभी पता नहीं चल सका, बहुत सारे लोग अस्पताल में दम तोड़ने वाले हैं इस नाजुक हालत में। ये जो सब कुछ हुआ है, आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन इलाकों से लेकर के दूसरी जगहों पर अलग अलग लोगों से आपने बातचीत की होगी, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपको क्या लगता है, चूक कहां पर हुई? जब्बार जी देखिए, लाशों पर राजनीति कैसे की जाती है वो आप देख ही रहे हैं, दिल्ली का दिल जल रहा, आपका देश का दिल जिसे कहते हैं दिल्ली, वो जल रहा है, लेकिन यहाँ पर लोग चिल्ला चिल्ला करके ये दिखा रहे हैं कि हम साफ हैं और आप कितने गलत आपने किया है, दूसरी सरकारों पे ब्लेम डाल रहे हैं, एक सरकार कह रही है आपका नेता खराब है, दूसरी सरकार कह रही है आपका नेता खराब है, लेकिन अपने अंदर कोई झांककर नहीं देख रहा है। जस्टिस मैं कहती हूं कि वो चले, उनका ट्रांसफर हो गया था, कुछ भी हो गया था, लेकिन उन्होंने कुछ अहम बातें कही हैं, उन्होंने ये कहा है कि उनको जिन लोगों ने भी हीट स्पीचेस दी हैं, हेट स्पीचेस नहीं देनी चाहिए थी और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्यों नहीं बीजेपी उनके ऊपर एक्शन लेती है, क्यों उनको पार्टी से बाहर, और ये आज का नहीं है, 4 महीने से चल रहा है, आज की स्पीच नहीं है ये हेट स्पीच, मिश्रा से पहले भी अनुराग ठाकुर आपके कितने सारे नेता ऐसे थे जो बार बार लगातार भड़काऊ भाषण दे रहे थे, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं की जा रही थी, उसके बाद आप कह रहे हैं कि बीजेपी काम नहीं कर रही है, आपके नेताजी वहां पर राजघाट पर बैठ करके हाथ पे हाथ रख के मौन धारण करे बैठे, आप लोग क्यों नहीं जाते हैं जहां पर लोग जल रहे हैं, जहां पर लोग मर रहे हैं, वहां पे क्यों शांत नहीं किया जाता है, उसके बाद पुलिस क्या कर रही थी, पुलिस इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, इंटेलिजेंस वहां पे पहले से नहीं पता था, जाफराबाद में आप पहले से नहीं पता था कि वहां पे क्या होना चाहिए, आपके पास पहले से एग्जांपल था शाहीन बाग का, उसके बाद आपने क्यों वहां पे लोग इकट्ठा करने दिए, उसके बाद आपने पहले भी कई अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, एक एग्जांपल तड़ी पार का भी है, वो भी दीजिए तड़ी पार का है, वो एग्जांपल सर आप देते हुए मुझे आप क्या कर रहे थे, अखिल खान साहब आप क्या कर रहे थे, तड़ी पार का भी एग्जांपल दीजिए आप, घर पर रहे कराया है, अरविंद केजरीवाल आपके विधायकों ने आग लगाई है ना, किचन में याद नहीं है किसी को, किचन में याद नहीं है किसी को, अरे आपके तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया साथ खड़े हुए थे शाहीन बाग के, काले छोड़े छोड़े ये रंग बताना चाहिए, ये इसका क्या कारण है, ये जो पार्षद आपका, ये जो पार्षद आपका बम फेंक रहा है इसका क्या कारण है, ये जो पार्षद आपका बम फेंक रहा है इसका क्या करोगे, ये जो पार्षद आपका बम फेंक रहा है इसका क्या करोगे, निकालो पार्टी से, एक काले अंग्रेज को भाव यहाँ से, एक काले अंग्रेज है अभी भी इंस्पेक्शन मार्च ले रहे हैं, आपके एडवाइजरी
आपके नेशनल एडवाइजरी जो है सिक्योरिटी के अजीत डोभाल जी को आना पड़ता है, शर्म की बात है। मुझे लगता है कि शायद दोनों पार्टी को ही सोचना चाहिए ठीक है। और ऐसे में अश्विनी दुबे जी, अश्विनी दुबे जी, अश्विनी दुबे जी, एक सेकंड, एक सेकंड, अश्विनी दुबे जी, क्या इस पूरी हिंसा के लिए, क्या इस पूरे दंगा के लिए अश्विनी, एक सेकंड, शिवम त्यागी जी, प्रियंका राणा जी, शिवम त्यागी जी, आखिर खान साहब, एक सेकंड, प्रियंका राणा जी, आखिर खान साहब, अश्विनी दुबे जी, क्या आप ये मानते हैं कि दंगा हुआ, कितनी औरतों की जाने गई, कितने मर्दों की जाने गई, बच्चे यतीम हुए, सब कुछ हुआ, बिजनेस चौपट हुआ, तबाह बर्बाद हो गए, रोजी रोटी चली गई, जिम्मेदार क्या राजनीतिक पार्टियां ही हैं? बहुत बहुत धन्यवाद जब्बार भाई क्लोजिंग कमेंट देने के लिए, मुझे इनवाइट करने के लिए। मगर मैं तमाम पैनलिस्ट से एक बात यह कहना चाहूँगा कि अगर आप बीच में बोलेंगे तो मैं शायद बीच में ही रोक दूंगा, वहाँ नहीं बोलूँगा। तो दो बातें ध्यान से सुन लीजिएगा। जब हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो सेलेक्टिव वीडियो जब कोर्ट के सामने आई, ये सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि 3 सेलेक्टिव वीडियोज़ को लेकर के आया गया, और उन सेलेक्टिव वीडियोज़ के बेसिस पर जो पूरे दिल्ली में 3 दिनों तक जो बंद रहा उसको एक कलर देने की कोशिश की गई और इस मामले को इन्वेस्टिगेट करता। अब टाइमिंग के हिसाब से देखिए कि जब उस कोर्ट में ऑलरेडी सुनवाई चल रही थी तो ऑल ऑफ ए सडन जो 12 फरवरी का ट्रांसफर ऑर्डर होता है उस जज का, उसको तुरंत नोटिफाई कर दिया जाता है और इमीडिएट उससे आज उनके लिए कह दिया जाता है कि आप जाकर के पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में ज्वाइन करिए। मैं अकील खान जी आप ही बोल लें तो फिर मैं यहाँ पर बंद कर देता हूँ, आप बोलें अगर अपनी बात आप कहना चाह रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ इंपॉर्टेंट ट्रांसफर नहीं है, यहाँ इंपॉर्टेंट टाइमिंग है। ऐसे समय पर जब एक मैटर की सेंसिटिव सुनवाई हो रही थी तो दूसरे एंगल्स को भी, इसको क्रोनोलॉजी को आज से नहीं, आज से बहुत पहले से समझने की जरूरत है, क्योंकि अचानक से इजाद नहीं हुआ है। और जब अचानक से इजाद नहीं हुआ, कोर्ट सुनवाई कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा, पटियाला उस राउज एवेन्यू कोर्ट में भी वृंदा करात की पिटीशन लगी हुई, हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, ऐसे समय पे जंप द गन, जो अचानक निष्कर्ष पे पहुंच जाना और एकदम से जो है आगे बढ़ा देना, ये साबित करता है कि लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर है। दूसरा, पुलिस को लोग मार रहे हैं, 3 दिनों तक लगातार उपद्रवियों ने, दंगाइयों ने पूरे सड़कों पर बंद करके रखा, आग लगा दी, घरों में आग लगा दी, गाड़ियों में आग लगा दी, उस समय पुलिस कहाँ थी? ये यहाँ इंटेलिजेंस फेल्योर है, पुलिस है, ऐसे समय पर आर्म फोर्सेस के हेड, सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के हेड, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप अपनी फैमिली के साथ, सारी चीज़ें नेशनल कैपिटल टेरिटरी में मौजूद है, उसके बाद भी हम अगर दंगा नहीं रोक पाते हैं तो ये किसी आम आदमी के लिए इसको जिम्मेदार नहीं कहा जा सकता, इसको कहा जाता है इंटेलिजेंस फेल्योर है, लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर है, और या तो पुलिस को, क्योंकि पुलिस ऑर्डर का वेट नहीं करती है या सफिशियंटली इक्विप्ड नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। एक DCP को मार दिया जाता है, गाड़ियों में आग लगा दी जाती है, क्या छोटी घटना है? आप उसको क्या समझते हैं? गोलियां चलती हैं, क्या छोटी घटना है? जो आज हो सकता था क्या उस दिन नहीं हो सकता था? जिम्मेदार कोई भी हो, और ये CAA, NTCA, Pro CAA से आगे बढ़कर है, कहीं ना कहीं इसमें ये आपको इन्वेस्टिगेट करना होगा कि इसकी क्रोनोलॉजी, इसके पीछे जो रणनीति है वो कहां से चल रही है। कोर्ट्स को इम्पार्शियल करना होगा, फेयर करना होगा, और जब पुलिस ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर रही है किसी मामले को तो उसमें जंप करना, निष्कर्ष पर पहुंचना वो भी उचित नहीं होगा। और सेलेक्टिव वीडियोस ये इंटेलिजेंस का फेलियर था, पुलिस को अंदाजा नहीं था। तो क्या ऐसी सिचुएशन में जिस वक्त ये सारी चीजें शुरू हुई, पत्थरबाजी शुरू हुई, हंगामा शुरू हुआ, एक शख्स पिस्तौल लेकर के पुलिस के सामने आता है, क्या उस वक्त कर्फ्यू नहीं वहां पर लगना चाहिए था? क्या वहां पर पुलिस बल को और ज्यादा बढ़ाया नहीं जाना चाहिए था? पैरामिलिट्री फोर्सेस को उसी वक्त नहीं बुलाया जाना चाहिए था? बिल्कुल, और इंटरनेशनल मीडिया भी, मुझे ऐसा लगता है कि सोची समझी साजिश के तहत इंटरनेशनल मीडिया को और डोनाल्ड ट्रंप को इस बात की इत्तफाक या जानकारी दिलवाने के लिए यह था
किसी भी तरह से हो सकता है। एक अंदेशा यह भी लगाया जा रहा है, यह भी कहा जा सकता है कि यहां पर जो है जो एंटी सीएए विरोध कर रहे हैं वो इस तरह से आतंक फैला, दूसरा यह भी कह सकते हो प्रो सीएए विरोध कर रहे हैं वो इस तरह से, वो इस तरह से कर रहे हैं, ये दोनों चीजें। आप झूठ बोल रहे हैं एंटी सीए, अरे सीए को आपने देखा हुआ एंटी कितना पीसफुल है, पूरे देश के अंदर इतना पीसफुल प्रदर्शन नहीं है, यही वजह है कि बीजेपी को जो यही दिक्कत हो रही है, इसको बर्बाद किया जाए, प्रशासन कमजोर बेचारी पुलिस, ये क्या कहना चाहते हो दिल्ली के अंदर? शिवम के आगे ये एक सवाल, एक सवाल में ये सवाल संजय गुप्ता जी, शिवम के आगे एक सेकंड तो छोड़ दीजिए, अरे सर मेरा सवाल आपको सूट करेगा, मेरा सवाल आपको सूट करेगा, सुनिए ना, जिस वक्त ये सब कुछ शुरू हो रहा था, जैसा कि आर्गुमेंट एक ही है, दोनों कोई सूट नहीं कर रही, जैसा नहीं है ना, जैसा कि आप नंबर बनाने के भाई क्या राहुल गांधी जरूरी है, अगर जरूरी नहीं आप राहुल हर बात पर एक सेकंड, बहुत संवेदनशील मुद्दे को लेकर हम लोग बैठे हुए, बहुत संवेदनशील मुद्दे को लेकर बैठे हुए, थोड़ा गरिमा संजय जी, अकील खान साहब, अकील खान साहब, अकील खान साहब, आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां की स्थिति यहां बनती हुई दिख रही है जो जाफराबाद में, एक सेकंड शिवम त्यागी जी, क्या शुरू में ही वो एक्शन लिया गया होता जो एक्शन बाद में लिया गया पुलिस को, पुलिस के जरिए, और या फिर वहां पर फोर्स बढ़ाने का एक्शन, तो शायद ये चीजें नहीं होती। देखिए कहीं आकलन में कहीं गड़बड़ी हुई, क्रोनोलॉजी की जो बात कर रहे हैं, और अश्विनी जी ने जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाए, डोनाल्ड ट्रंप इस देश में थे, सबको बहुत अच्छी तरह से पता था, 5,000 की भीड़ लेकर जाफराबाद में महिलाएं और बच्चे, मैं देखिए आप देखो संजय गुप्ता जी गलत बात है, नहीं संजय गुप्ता जी मैं प्रतिक्रिया के लिए आपकी तरफ आऊंगा, एक सेकंड संजय गुप्ता जी बीच में नहीं बोलेंगे, 5,000 सीधा जवाब दो, चौधरी साहब इनको अपनी बात रखने दीजिए, इसके काउंटर में आप दोनों की तरफ में आता हूँ, ठीक है एक से बात तो सामने आने, भारी का इंतजार कीजिए, अगर आप तीनों के पास लीगल आर्ग्यूमेंट है तो अपने मौके पर आप गति से बात रखिएगा, लेकिन ये फर्जी वाला करने की जरूरत है, तीनों एक दूसरे को क्रॉस करोगे किसी को आवाज नहीं है, ये देखिए खान साहब आप लोग लगातार डिबेट में बैठते हैं, आप लोग अच्छे प्रवक्ताओं में से माने जाते हैं भाई, ऐसे मत कीजिए, आप लोग हर दिन बैठते हैं टीवी डिबेट्स में, ऐसे क्यों कर रहे हैं, एक संजीव चौधरी जी, संजीव चौधरी जी, संजीव चौधरी जी, ये चर्चा किसके लिए कर रहे हैं, ये चर्चा किसके लिए कर रहे हैं, ये चर्चा जनता के लिए कर रहे हैं, जनता को समझ नहीं आ रहा सरकार की सरकार है, एक सेकंड संजीव चौधरी जी, आपने मुझे ऊपर क्यों बना रहे हैं, अच्छा वो खतरनाक है, आप मान रहे हैं सरकार जिनके पास आता है मेरे जिनके एक सेकंड उनको उनके ऊपर एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड संजीव चौधरी से पूछ लीजिए, संजीव चौधरी साहब एक सेकंड, मैंने सवाल पूछा दोनों का मैंने तो सुना नहीं, किसी जवाब आने दीजिए, आपने मुख्यमंत्री फिर संजीव चौधरी साहब, संजीव चौधरी साहब एक सेकंड, एक सेकंड, ये सब नहीं चलेगा भाई, ये सब नहीं चलेगा, एक सेकंड उनकी बात पूरी हो जाए, मैं आप लोगों की तरफ आता हूँ, अपने बारे में अकेले जितना चिल्लाना होगा जिस में जवाब देना होगा दीजिएगा, जिस अंदाज में जवाब देना होगा शिवम त्यागी जी को बोलने तो देंगे, एक सेकंड शिवम त्यागी जी को बोलने तो दीजिए साहब, बोलने तो दीजिए एक सेकंड, मेरी आवाज कमाल की बात है, आप तीनों से तेज है लेकिन चिल्लाने का कोई लाभ नहीं है, मैं आपको जवाब देता हूँ, आप देखिए आप फिर देखिए एक सेकंड, अरे हर बात क्यों बड़ी बात आप लोग करते हैं, सुन लीजिए ना भाई, अरे बात ना इंटॉलरेंट क्यों हो रहे हो, बात सुनेंगे क्या, ना इंटॉलरेंट क्यों हो रहे हो, सुन लीजिए आप कैसे लीजिए इतना इंटॉलरेंट क्यों हो, इन्हें जवाब सुनेंगे, जवाब सुनेंगे तो इनको संजीव चौधरी दर्द होगा, चौधरी बल्ला श्री करती है, संजीव चौधरी भाई ये चिल्लाएंगे 10 सेकंड, चिल्ला रहे चिल्लाते रहना चिल्लाते रहना चिल्ला, अरे जवाब सुन लीजिए, है हिम्मत, अरे है हिम्मत तो सुनो जवाब, सुनो जवाब, हिम्मत है ना तो सुनिए, लगाइए फेवी को एक ऊपर, सुन लीजिए जवाब, एक सेकंड मैं भी जवाब दूंगा, अरे मैं भी जवाब, आप सबूत मांग रहे हैं क्या, सर्विकल स्काई के सबूत है क्या, संजीव चौधरी साहब सुनिए तो सही, शिवम त्यागी जी क्या कह रहे हैं,
अरे तो आप, मैं माफ कीजिएगा, मैं सिर्फ आप लोगों को सुनने के लिए यहाँ नहीं आया। एक सेकंड संजीव शिवम त्यागी जी की बात सुनिए, उसके बाद मैं आप लोगों की तरफ आता हूँ। एक एक करके जाफराबाद में 5,000 लोग इकट्ठा हुए, डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी दिल्ली में थे, सबको पता था कि इंटरनेशनल मीडिया इस देश में है, किसी भी तरह से आपको कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मीडिया में जगह बनानी है। शर्जिल इमाम का वो बयान आपको याद होगा जिसमें उसने कहा था कि अगर साबित एक सेकंड एक कमाल के लोग कमाल है बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पे हम लोग बात कर रहे हैं। आप किसी को बात नहीं कर रहे, तीनों पार्टियों का किसी चीज का जवाब नहीं दे रहे। ये जो स्टूडियो समाजवादी कैसे झूठ, यही बाहर दंगे झूठ बाहर में यही दंगा कर रहे हैं। बताइए ठीक है, कार्यकर्ता दंगा कर रहे हैं, दंगा ही है ना, ये देखिए स्टूडियो में भी दंगा कर रहे हैं, बाहर भी दंगा कर रहे हैं। एक सेकंड अरे उस झूठ का काउंटर आप कीजिएगा संजय गुप्ता जी। राजनीतिक रैलियां नहीं है ना, राजनीतिक रैलियां नहीं है, प्लीज थोड़ा थोड़ी सी गरिमा, थोड़ी सी गरिमा पर इनके पास जब कार्यकर्ता होते नहीं, सड़कों पर इनके पास 10 कार्यकर्ता होते नहीं, जिंदाबाद लगाते हैं। कपिल मिश्रा पे बोलिए, बताइए कपिल मिश्रा दोषी है या नहीं है, बताइए। सड़कों बंद करने वाले किसी को अगर आप लेजिटिमेट कहोगे तो कपिल मिश्रा ने साफ कहा है सड़कें खाली करनी पड़ेगी, सड़कें खाली करनी पड़ेगी। ठीक है, एक सेकंड आप सब लोग, चलिए आकिल खान साहब मैं आप इनसे पूछता हूँ, एक सेकंड आप सपा कांग्रेस आम आदमी पार्टी, एक सेकंड आकिल खान साहब ठीक है, सारी चीजें आपके जो आरोप है, आपकी जो बातें, सारी चीजें अपनी जगह, कोर्ट में उसका मामला चल रहा है, मगर मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से ताहिर हुसैन के खिलाफ में ये वीडियोज आए, वो पत्थर, वो पेट्रोल बम, वो गुलेल, वो सारी के सारी चीजें वहां पर जिस तरीके से आई हैं, पार्टी लगातार बचाती रही। अरे अकील खान भी बम लेकर, पेट्रोल बम लेकर बम मार रहे थे, वहां पर खड़े हुए थे छत पर, वीडियो ये देखिए, अरे वीडियो सामने है, अरे वीडियो सामने है, भगवान गुलिया खान से लेकर एक सेकंड उनका आरोप है, आप उस आरोप पर काउंटर कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। संजीव चौधरी और संजय गुप्ता जी, एक सेकंड दंगा कर रहे हैं, यहाँ भी सड़कों पर भी दंगा कर रहे हैं, ये दंगाई है, दंगाई देखिए देखिए तीनों किस तरह से लड़ रहे हैं, यहाँ भी दंगा, बाहर भी दंगा। अरे ट्रेनिंग पर तो 84 वाले ट्रेनर है, अरे 84 के दंगों से ट्रेनिंग को अपना लिए, 84 के दंगों से हम लोग इस चर्चा के आखिरी हिस्से में, एक सेकंड शिवम त्यागी जी, अगली तारीख आने से पहले पहले क्या इन सभी लोगों के खिलाफ में FIR दर्ज हो जाएगी, चाहे वो आम आदमी पार्टी को हो, चाहे वो कांग्रेस को हो या बीजेपी को? देखिए कोई भी हो, मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, लॉ एंड ऑर्डर पर प्रेशर नहीं बनाया जाता, ये सोनिया श्री की सरकार नहीं है, कार्रवाई बिल्कुल होगी, थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, चाहे इनका पार्षद हो चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन कोई डोमिनेशन नहीं, इनकी तरह नहीं कि पुलिस को पकड़ के रात को राम ने ऊपर नेट बजवा दिया, कभी कुछ कर दिया, ऐसे नहीं चलेगा। ये देखिए ठीक है, प्रियंका राणा जी को बोलने दीजिए, ये देखिए एक नए दंगाई बोले, ये रिसेंट है, ये इनकी डिग्री अभी हाल फिलहाल आई है। आकिल खान साहब एक सेकंड, प्रियंका राणा जी क्या इस स्थिति में अभी भी वहां पर लोगों को जिस तरीके से अभी भी कोई डर है, या अब पुलिस ने सब कुछ ठीक ठाक कर दिया है? ये चीजें जो आज हुई, ये चीजें डेवन पर भी हो सकती थी, मैंने इसीलिए आपसे पिछली बार ये सवाल पूछा था कि इनके लिए क्या कहीं चूक हुई प्रशासनिक स्तर पर, पुलिसिया स्तर पर? जी
एक बहुत बड़ी चूक हुई है और ये चीज पहले ही एक्शन पहले ही लेना चाहिए था. इंटेलिजेंस फेलियर है टोटल, क्योंकि अगर आपके पास शाहीन बाग का एग्जांपल था, उससे पहले ही आपको सब कुछ पता करके आपके पास इंफॉर्मेशन भी थी कि इस तरह की चीजें हो सकती हैं, तो आपने उसका प्रिकॉशन क्यों नहीं लिया? और अगर हो भी गया था तो आपने कर्फ्यू क्यों नहीं लगाया गया? आई भी ऑफिसर मर जाते हैं, रतन लाल की मौत हो जाती है, आज उनके परिवार वाले आपको देख रहे होंगे तो आप लोगों पर हंस रहे होंगे और रो रहे होंगे कि किस देश में हम लोग रहते हैं, हमारी मौतों पर आप लोग मजाक बना रहे हैं. अजय शर्मा जी, क्या क्या राजनीतिक पार्टियों ने ही इसकी पूरी एक स्क्रिप्ट लिखी अलग अलग, चाहे उसमें आम आदमी पार्टी हो, उसमें बीजेपी हो या उसमें फिर कांग्रेस की अपनी स्ट्रेटजी रही हो, उन्हीं की स्क्रिप्ट को ही किसी तरीके से भावनाओं को भड़काने का काम किया गया और फिर उसी का एग्जीक्यूशन देखा हमें इस दंगे की शक्ल. काफी हद तक तो ये मैं कह सकता हूँ. लेकिन दो सवाल हैं आपके, जो आपने भी प्रियंका जी से पूछा उसका जवाब देता हूँ. शाहीन बाग का जिस तरह से एग्जांपल दिया जा रहा है, शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट था बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से था. उसके बाद जाफराबाद में जिस तरीके से लोग वहाँ जमा हुए, जिसमें कहा जा रहा है इंटेलिजेंस फेलियर या पुलिस को पहले से पता रखना चाहिए था, शायद पुलिस के बैकअप द माइंड ये रहा होगा जैसे कि शाहीन बाग में हुआ था, शांतिपूर्ण तरीके से हुआ था, ऐसे ही यहाँ पर होगा. अब पुलिस वहाँ बातचीत करने गई, समझाने के लिए गई, उस पर डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के अंदर थे और वहाँ पर कपिल मिश्रा जो गए के तौर पर कपिल मिश्रा का ट्वीट करना और लेकर के पहुंचना, वो सब इमीडिएट कॉज बने. दरअसल देखिए यहाँ क्रोनोलॉजी मैंने बताया आपको, आज नहीं इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा. बिल्कुल क्रोनोलॉजी आपको समझना पड़ेगा ओवैसी के बयान से, क्रोनोलॉजी आपको समझना पड़ेगा वारिस पठान के बयान से, क्रोनोलॉजी आपको बाकी सबसिक्वेंट एक्शंस में गिरिराज सिंह जितने भी लोग आपको बता रहे वहां से यहाँ तक लेकर के अब तक. देखिए इस देश के अंदर एक अलग तरह की राजनीति चल रही है कि जो पिछाड़ी राजनीति कल से लेकर मैं पूछना चाहता हूँ इसके ऊपर दंगा लगे कराने का रोक लगे. ये सबसे बड़े दंगेबाज है शिवम. चलिए आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बहुत माफी मैं जिनकी तरफ आखिरी कमेंट के लिए जा नहीं सका, बहुत माफी के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, उन लोगों की तरफ जिनके पास मैं आखिरी कमेंट के लिए आ नहीं सका बहुत माफी. शिवम त्यागी जी, संजय गुप्ता जी, अजय शर्मा जी, अखिल खान साहब, प्रियंका राणा जी, अश्विनी दुबे जी और संजीव चौधरी जी, सवाल ये है कि जिस किस्म की हिंसा और दंगा उस नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर हुई, मगर स्टूडियो में आज हम बैठे थे कि शायद कुछ सार्थक चीजें निकल सके, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि जिस तरीके से उलझते चले गए सवालों के बीच में राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता, वो बहुत ही निराशाजनक आज कम से कम मेरे लिए और शायद आपके लिए भी रहा होगा. लेकिन उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में उम्मीद की किरण जो दिख रही है, पीस की, अमन की, सलामती की, वो बरकरार रहेगी और वैसे ही आगे भी देखने को मिलेगी. अभी के लिए इतना ही, नमस्कार. दंगा फैलाने की जिम्मेदारी कपिल मिश्रा जैसे लोगों की है, वारिस पठान जैसे लोगों की है, कांग्रेस जैसी और आम आदमी पार्टी जैसी और ऐसी सोच वाले लोगों के कारण से इस प्रकार से जो अपराधी तत्व होते हैं, दंगाई तत्व होते हैं, उनका मनोबल बढ़ता है. वो कोई भी हो, मेरा सगा भाई हो, उस पर आप कार्रवाई कीजिए, बख्शने की जरूरत नहीं है.